दोस्तों, हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई साध्वी अनादि सरस्वती का लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस कोई फायदा नहीं उठा रही है। इन दिनों लोकसभा चुनाव प्रचार की आपाधापी मची हुई है। अजमेर संसदीय सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके लिए कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं। इस बार जिले के तमाम कांग्रेसी भी कथित तौर पर एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में साध्वी अनादि सरस्वती कहीं नजर नहीं आ रही हैं। दूसरे संसदीय क्षेत्रों की बात तो छोड़िए, खुद अपने जिले अपने शहर में भी वह कांग्रेस के लिए वोट मांगते कहीं दिखाई नहीं दी है। कांग्रेस के लिए इस बार लोकसभा चुनाव आर्या पार वाली स्थिति है। इसके लिए सभी कांग्रेसी आपसी मतभेद भुलाकर बीजेपी से अजमेर लोकसभा सीट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सिंधी वोटों को कांग्रेस के पक्ष में करने में साध्वी अनादि का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। चूंकि वह साध्वी है, इसलिए भाजपा के हिंदुत्ववादी वोटों में भी सेंध लगा सकती है, लेकिन कांग्रेस है कि साध्वी के चेहरे का लाभ उठाना नहीं चाहती। दरअसल साध्वी की इस निष्क्रियता का सीधा कनेक्शन उनकी कांग्रेस पार्टी में एंट्री से जुड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में साध्वी अनादि सरस्वती ने खुद को सिंधी शहीद हेमू कालाणी की वंशज बताते हुए अजमेर उत्तर सीट से बीजेपी का टिकट मांगा था। चूंकि इस सीट से पिछले 20 साल से बीजेपी के ही सिंधी कैंडिडेट वासुदेव देवनानी चुनाव जीतते आए थे और इस बार भी प्रबल दावेदार थे, इसलिए देवनानी लॉबी साध्वी अनादि के खिलाफ हो गई। पार्टी ने इस सीट से पुनः देवनानी को टिकट दे दिया तो साध्वी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई। लेकिन साध्वी अनादि सरस्वती की कांग्रेस में एंट्री खुद कांग्रेसियों को रास नहीं आई। जब कांग्रेस से अजमेर उत्तर विधानसभा सीट का टिकट साध्वी अनादि को देने की चर्चा चली तो कांग्रेस के सभी गुट इसके खिलाफ लामबंद हो गए। उनका खुलकर कहना था कि टिकट के लिए बीजेपी छोड़कर आई साध्वी को कांग्रेस ने टिकट दिया तो वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके विरोध को देखते हुए कांग्रेस ने साध्वी को टिकट नहीं देकर महेंद्र सिंह रलावता को मैदान में उतार दिया। हालांकि रलावता भी देवनानी से चुनाव हार गए थे। दोस्तों, हकीकत यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव से ही साध्वी अनादि सरस्वती की स्थिति त्रिशंकु जैसी हो चुकी है। बीजेपी से खुद उन्होंने नाता तोड़ लिया, जबकि कांग्रेसियों ने उनका कांग्रेस से नाता जुड़ने ही नहीं दिया। ज्यादातर कांग्रेसी अब भी उन्हें पार्टी में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में साध्वी हर तरफ से बेगानी होकर चुपचाप बैठे राजनीति के रंग देख रही हैं।